नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो निहित होती हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो होता है समानुपातक समानिधित्व एवं एकल समकीर्णी प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो करवाता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो सीधा उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग को चला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर कोई भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लाई गई है? तो लाई गई है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये होता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अगर कोई भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसे देता है? तो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो अब तक के जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वह नीलम संजीव रेड्डी। इनके खिलाफ कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए इनको निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो सॉरी, ये तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति की कुल सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो सलाह देता है संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो ये थे एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया है? सॉरी, नहीं लौटाता। तो ये धन विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन सा क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति में सिर्फ यह शक्ति होती है किसी दोषी को क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारतीय डाकघर अधिनियम
में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह है विधायी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो चुना जाता है संसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये बनी थी 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति दो बार लगातार चुने गए थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दो बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो चुनाव इनका हुआ था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को ये मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो होता है 150,000 रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 3 महीने के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 50-50। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर रिक्त होने पर कितने समय के लिए या आवश्यक भरना ये मतलब जो जो राष्ट्रपति का स्थान जो रिक्त होता है उसको कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए? तो होता है 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली, 6 माह के अंदर चुनाव करवा के इनका पद भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद का कौन रह सकता है? तो जो भारत के राज्यपाल होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। कौन सा राज्यपाल किस राज्य में रहेगा ये राष्ट्रपति तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जारी करता है संघ एवं समर्थित सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो यह बनता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।